तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब सही हो। तो आज है गणपति विसर्जन गाइस। तो देखो, आज लास्ट डे है हमारे घर पे पापा का, बट हर साल जरूर आएंगे। और फिर ये प्रसाद सब हम लोग कर रहे थे, फिर ये भी आ गए जल्दी से, तो हम फटाफट जो भी चीज़ें हैं रेडी वेडी करके, आरती वगैरह करके हम विसर्जन के लिए निकलने वाले हैं। तो हम दोनों ने रेड कलर पहन लिया, क्योंकि लोग बोलते हैं जब पूजा में येलो रेड ग्रीन बहुत शुभ होता है। तो मैंने इनको भी बोला आप चेंज कर लो। तो फिर ऐसे हम जा रहे थे लेके, तो फिर पूजा वूजा कंप्लीट किया हमने। तो पूरे घर में मैंने कहा एक बार गणपति जी को पूरे घर में पापा को घुमा दो, क्योंकि बहुत शुभ माना जाता है ऐसा करना। तो उन्होंने किया। गणपति पापा मारिया बोल बोल के तो आज इतने दिन थे, क्योंकि वही मेरे साथ रहते थे पूरे दिन, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था सुबह से, क्योंकि 10 दिन ज्यादा से ज्यादा मैंने इनके साथ वक्त बिताया और आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी मैंने कहा कोई नहीं, इनको भी अपने मम्मी पापा के पास जाना है। तो फिर अब हम जाने की तैयारियां करने लगे। और फिर मैंने कहा लॉक नहीं करती हूँ, गेट पर लॉक लगाती हूँ और डोर में दरवाजे में नहीं लगाती हूँ, क्योंकि अभी पूजा वूजा किया है। तो कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे पापा। फिर हम लेके चले और इतनी भीड़ थी ना रात के समय भी, मुझे लगा पता नहीं रात को कोई विसर्जन कर रहा हो कि नहीं, मैं इनको बोल रही थी, बट इतनी भीड़ थी ना गाइस, बहुत ज़्यादा अहमदाबाद में इतनी ट्रैफिक और भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी। तो हम जैसे वैसे पहुँचे विसर्जन के लिए और कुंड बनाया हुआ था, क्योंकि साबरमती में कर नहीं सकते, यहाँ पे कुंड बने हुए थे। एक बार तो इच्छा हुई, ये बोलते हैं हर साल मैं ऐसे करता हूँ, तो मैंने कहा कि ठीक है एक साल इस साल करके देखो कुंड में, क्योंकि वो सही रहता है, जो वो एक विधि होती है ना, क्योंकि हमेशा से लोग वही चीज करते आते हैं कि कुंड में या नदी में या जैसे भी वैसे घर से बाहर निकालना इनको बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि घर से बाहर निकालेंगे तभी तो ये अपने माँ और बाप के पास जाएंगे ना, अपने मम्मी और पापा के पास। घर के अंदर तो एक अचानक से एक आंटी आई, हमको रोक ली और पापा को कुछ कहने लगी कान में बोल के, फिर वो चली गई। अचानक से आई, हम दौड़ के आई वो, फिर वो दिखी नहीं। तो फिर भी जो भी है अच्छा लगा, इतनी पब्लिक आई, बहुत ज्यादा पब्लिक। और जैसे जैसे इनका टाइम आ रहा था जाने का, वैसे वैसे अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी ठीक है गए, जा रहे हैं तो आएंगे जरूर अगले साल। तो हमें बता रही थी कि एक होता है ना गाइस की हमेशा, मतलब जैसे कि 99% लोग विसर्जन करते हैं बाहर, तो हम आजकल इंसानों ने नए तरीका निकाल लिया, मतलब जैसे देख रही हूँ कि कुछ लोग ना घर पे विसर्जन कर रहे हैं, बट वो विसर्जन करके हम शायद मुझे सही नहीं लगा, तो मैंने इनको कहा कैसे विसर्जन करते हैं एक बार, अगर आपको सही लगे तो ठीक, नहीं लगेगा तो अगले बार से आप जैसे करते हो वैसे करना। तो मुझे तो सही लगा ऐसे विसर्जन करके, क्योंकि पब्लिक करती है ऐसे विसर्जन कुंड में बाहर, तो कुछ विधि विधान कुछ होगा तब भी तो करती है ना।
तो हम नया तरीका और नया क्यों बना है, तो देख सकते हो सब अपने अपने पापा का विसर्जन करने के लिए लेके आए हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ थी और हमारे पापा को हम देने जा रहे थे विसर्जन के लिए। भीड़ बहुत थी गाइस, तो अच्छे से वीडियोस भी कैप्चर नहीं हो पाया और रात का समय था ना तो नहीं हो पाया। तो अभी हम से दो जा रहे हैं, देखो कैसे साफ एकदम दिख रहे हैं। हो गया विसर्जन तो फिर आप हम भी घर चलते हैं। चले गए अपने घर वो, फिर पब्लिक तो देखो गाइस इतनी, अभी भी लोग मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो चुकी थी, पब्लिक थी कि फिर अब हम निकल गए घर के लिए। तो चलिए इसी के साथ हमारा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है गाइस। तो फिर छोटी सी वीडियोस थी मेरी आज की ये विसर्जन की, तो होप अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर करना, बेल आइकन घंटे को भी दबा देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियोस अपडेट करूँ सबसे पहले आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आए और आप जल्दी से जाके उसको वॉच कर पाओ। तो गाइस आप लोगों का प्यार यूं ही मेरे साथ बना रहे हैं तो मुझे ऐसे कभी कभी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है ना कि मेरे काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं अचानक से, और काफ़ी दिन होते हैं एक एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज के डेट में मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर बढ़े हैं। तो थैंक यू सो मच माई यूट्यूब फैमिली, बाय बाय, फिर मिलते हैं।